लाहौल स्पीति की विधायक अनुराधा राणा से हमारे संवाददाता ने खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने लाहौल स्पीति में पिछले दो वर्षों में आपदा से हुए नुकसान पर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि सदन में भी वो लाहौल स्पीति के मुद्दे को उठा रही हैं ताकि सरकार के सहयोग से लोगों की समस्याओं का समाधान किया जा सके। इस समय हमारे बीच मौजूद है लाहौल स्पीति की विधायक अनुराधा राणा। यदि देखा जाए लाहौल स्पीति में दूसरी बार महिला आई है, पहले स्वर्गीय लता ठाकुर जो कि पहले हिमाचल प्रदेश की विधायिका थी उसके पश्चात ही आई। और देखा जाएगा खासकर जो लाहौल स्पीति की भौगोलिक स्थिति के अनुसार वहाँ पर काफ़ी परिस्थितियाँ भिन्न रहती है। अब कौन कौन सी जो समस्या है खासकर, जी मैम जानना चाहेंगे कि कौन कौन सी जो मेजर समस्या जो लाहौल स्पीति में देखी गई कि आज के पर्सपेक्टिव से बात की जाए तो आपदा हमारा एक सबसे गंभीर विषय है जो पूरे हिमाचल की तरह हमारे लाहौल स्पीति से भी जुड़ा हुआ है। और पिछले दो वर्षों से हम देख रहे हैं कि आपदा में नुकसान भी हमारा काफ़ी हुआ है। मेनली हमारे जो विधानसभा क्षेत्र है इसमें नुकसान हमारा लोगों की ज़मीनों का हुआ है, फसलों का हुआ है, क्योंकि वहाँ पर नकदी फसल एक ही होती है, छः महीने का हमारा वर्किंग सीजन रहता है, तो वहाँ पर जो समस्या है वो ज़्यादा विकराल रूप ले लेती है। इस वजह से तो सबसे गंभीर अगर मैं आज के टाइम पे बात करूँ तो ये हमारा आपदा ही है, और इससे निपटने के लिए जो भी हमारे लेवल पे सरकार के माध्यम से हम कोशिश कर पाएँ उसके लिए हम कोशिश करेंगे। और इसके अलावा अन्य भी समस्याएं हैं, जैसे हमारे वहाँ पे वैकेंसीज़ का काफ़ी इशू रहता है, चाहे वो एजुकेशन डिपार्टमेंट हो, हेल्थ डिपार्टमेंट हो, या पर्यटन एक हमारा बहुत महत्वपूर्ण विषय है जिसमें बहुत ज़्यादा हमारे क्षेत्र में पर्यटन बहुत आ रहे हैं, पर उसको डील करने के लिए हमारी क्या व्यवस्था होनी चाहिए तो उस पर हमें काम करने की अभी बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जिनको लेकर हम आगे बढ़ेंगे और उस समस्याओं के समाधान के लिए कोशिश भी हर संभव करेंगे। जी, अगर देखा जाए जो विधानसभा सत्र चल रहा है, कौन कौन से जो प्रश्न आपने इस बार उठाया खासकर जो लाहौल स्पीति जो समस्या को लेकर? जी, इस विधानसभा जो हमारा पहला सेशन है, मेरे लिए पहला एक्सपीरियंस है, तो 10 दिन का ये सेशन रहता है, तो इसमें हमारे पास एक सिस्टम बना होता है स्टार्ट और अनस्टार्ट क्वेश्चंस का। तो 10 दिनों में हमें 20 स्टार्ट और 20 अनस्टार्ट क्वेश्चन पूछने होते हैं। स्टार्ट क्वेश्चंस का जवाब हमें पटल पे भी मिलता है, रिटर्न में भी मिलता है, और उसको हम डिस्कस भी सभा में कर सकते हैं, और अनस्टार्ट का सिर्फ हमें रिटर्न में जवाब आता है। तो उसी को फॉलो करते हुए स्टार्ट क्वेश्चन में मेनली हमारे सभी महत्वपूर्ण विभाग जो होते हैं, चाहे PWD है, IPH है, डिजास्टर मैनेजमेंट है, हेल्थ है, एजुकेशन है, तो सभी से संबंधित सवाल हमने किए हैं। और मौका हमें जब चर्चा का मिलता है, जैसे आपने देखा होगा पहले संबोधन में हमें चर्चा का मौका मिला, तो मैंने आपदा प्रबंधन जो एक रूल 130 के तहत चर्चा के लिए आवेदन भी किया था, और उसमें मुझे सहमति भी मिली चर्चा करने के लिए, तो उसमें हमने विस्तार से अपनी बात रखी जो लाहौल स्पीति के एंगल से हम कह सकते थे जो भी डिजास्टर वहाँ पर नुकसान हो रहा है, और आने वाले समय में सरकार हमारा कैसे सहयोग कर सके उसमें अपने अपने सुझाव भी दिए। अनुराधा जी, पहले इससे पहले आप जिला परिषद अध्यक्ष थे, अब विधायिका बनी है, काफ़ी क्षेत्रफल की दृष्टि से जो लाहौल स्पीति है काफ़ी बड़ा है, किस तरीके से आप देखते हैं? जी हाँ, हिमाचल के पर्सपेक्टिव से बात की जाए तो हमारा लाहौल स्पीति जो है क्षेत्रफल वाइज सबसे बड़ा ज़िला है, और अगर जनसंख्या के हिसाब से बात की जाए तो सबसे छोटा ज़िला है। तो ज्योग्राफिकली और भौगोलिक दृष्टि से तो काफ़ी चैलेंजफुल है, क्योंकि बहुत विस्तार है, विस्तारफुल हमारा ज़िला है, एक कोने से दूसरे कोने तक पहुँचने में कई घंटों का सफ़र हमें तय करना पड़ता है, तो चैलेंजेस भी अलग तरह की रहती है, क्योंकि 6 महीने बर्फ़ से कटा रहता, सॉरी सर्दियों में बर्फ़ पड़ी रहती है, पहले तो 6 महीने कटा रहता था, पर अब टनल के बाद हम पूरा जुड़े रहते हैं 12 महीनों, पर समस्या कहीं ना कहीं वैसी है, जैसे पानी का जम जाना सर्दियों में, या हार्श विंटर कंडीशंस में कई तरह की अन्य समस्याएं रहती है, तो एवलॉन्च वगैरह डिज़ास्टर जो अलग तरह के जो हमारे डिज़ास्टर हैं वो विंटर्स में भी देखने को मिलते हैं। तो चैलेंजफुल तो है, बट मुझे लगता है कि जो भी हमारा सरकार की तरफ से जो नीतियाँ बनती है उसको एक अलग दिशा में मुझे लगता है सोचने की आवश्यकता सरकार के लेवल पे भी है। जब भी कोई नीतियाँ या पॉलिसी बनती है तो एक तरह की पॉलिसी ना बनते हुए उस एरिया की क्या कंडीशंस हैं, ज्योग्राफिकली कैसी स्थितियाँ हैं, उसके हिसाब से वो नीतियाँ बननी चाहिए, उसके हिसाब से वो संशोधन भी होना बहुत जरूरी है। अनुराधा जी, आखिरी प्रश्न हमारा ये रहेगा कि कांग्रेस सरकार ने 10 गारंटी दी, उनमें से एक जो गारंटी थी पिछले वर्ष 15 अप्रैल को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने काजा में खासकर महिलाओं को जो घोषणा की थी 3000 जो महिला उसके अंतर्गत आती है स्पीति में, 1500 दीजिए, अभी तक फिलहाल कितनी महिलाओं को इसका लाभ अर्जित हो रहा है और कितनी शेष लाहौल स्पीति में बचे? जी, हमारा सौभाग्य है कि इस घोषणा की शुरुआत माननीय मंत्री मुख्यमंत्री महोदय ने हमारे लाहौल स्पीति जिला से की थी, और काजा से इसकी घोषणा की गई थी स्पीति से, तो इसकी घोषणा के बाद अभी लगभग 1500 से ज़्यादा महिलाओं को इसका लाभ मिल रहा है। तो जो भी इस क्राइटेरिया में महिलाएं आती है, जो क्राइटेरिया सरकार के द्वारा दिए गए, क्योंकि वो हर योजना में होते क्राइटेरिया, हर योजना में आप 100% तो ले नहीं सकते, इससे तो फिर पूरा सिस्टम बिगड़ जाएगा, तो वो हर वेलफेयर स्कीम में वो टर्म एंड कंडीशंस होती है, तो उस टर्म एंड कंडीशंस के अंतर्गत जितनी भी महिलाएँ आ रही है अभी उनका लाभ उनको मिल रहा है, और इसका हम और भी विस्तारीकरण करने की कोशिश
कोशिश कर रहे हैं, अगर कोई ऐसा हम कोशिश कर रहे हैं कि पंचायत के प्रधानों के माध्यम से या वेलफेयर डिपार्टमेंट के माध्यम से कोई ऐसी महिला जो इस क्राइटेरिया में आती है वो छूट ना जाए। जी ये थे लाहौल स्पीति की विधायक अनुराधा राणा जी। इनका स्पष्ट रूप से कहना है कि जो 1500 से अधिक जो महिला है उन्हें 1500 रुपये दिया जा रहा है। कामेश्वर शर्मा।